दोस्तों आज मेरे पास है सनकिंग कंपनी के तरफ से एक सोलर पावर्ड फैन। सोलर पावर से ये फैन चलता है। यहाँ पे आपको सोलर पैनल मिल जाता है, उसके साथ एक लंबा वायर भी दिया गया है। सोलर पैनल को आप बाहर धूप में रख सकते हो, कहीं पे भी जहाँ पे आपके घर के धूप आता है, और फैन को आप घर के अंदर रख सकते हो। ये फैन फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और फुल्ली चार्ज होने के बाद कंपनी का ये दावा है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कि लो पावर मोड में ये फैन 18 घंटे तक चलेगा। तो आज हम सनकिंग के इस सोलर पावर्ड फैन को अनबॉक्स करेंगे, इसको असेंबल करेंगे, इसका यूज़ देखेंगे। मैं खुद इसको यूज़ करूंगा और अपना पर्सनल ओपिनियन, अपना खुद का रिव्यू आपको बताऊंगा कि सच में कंपनी का जो दावा है 18 घंटे तक ये लो पावर मोड में चलेगा, ये होता है नहीं होता, इसका बैटरी उतना स्ट्रांग है नहीं है, और साथ ही इसका क्वालिटी कैसा है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पे आप पैकेजिंग देख सकते हो, ऊपर यहाँ पे सनकिंग का ब्रांडिंग दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर पावर्ड फैन विथ अल्ट्रा क्वाइट कूलिंग, यानी जब आप इस फैन को चलाओगे तो ज्यादा नॉइस नहीं करेगा ये। यहाँ पे ऊपर आपको 2 साल का वारंटी का स्टिकर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये जो फैन है इसमें आपको 3 अलग अलग फैन मोड मिलता है, यहाँ पे 1, 2, 3 फैन मोड्स लिखा हुआ है। जब आप इस फैन को चलाओगे तो 6.2 मीटर्स तक ये एयर को थ्रो कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है 6.2 मीटर्स ऑफ एयर ब्लोइंग डिस्टेंस। ये जो डीसी मोटर इसमें यूज किया गया है वो ब्रशलेस है, जिससे कि ये जो मोटर है ये जल्द खराब नहीं होगा, इसका लॉन्गजीविटी बढ़ जाता है। बॉक्स के इस साइड में अगर देखें तो कैसे इस फैन को यूज करना है ये सब बताया गया है। सबसे पहले तो आपको इस डिवाइस को असेंबल करना होगा, यानी इस बॉक्स के अंदर फैन बना बनाया नहीं है, इसको आपको असेंबल करना होगा। फिर आपको इसको चार्ज करना है, देख सकते हो इसका जो सोलर पैनल है उसको आपको बाहर रखना है, ये सोलर पावर से चार्ज होगा। और फिर आपको इस फैन को जहां पे भी रखना है वहां पे रखिए, इसको ऑन कीजिए और पंखा चालू हो जाएगा। यहाँ पे टाइमर का भी ऑप्शन है, आप कितने घंटे तक फैन को चलाना चाहते हो वो भी टाइमर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बॉक्स के पीछे की तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, कैसे आप इसको यूज करोगे वो सब लिखा हुआ है। इसका जो सोलर पैनल दिया गया है इसके साथ वो 20 वाट का सोलर पैनल है। जो केबल दिया गया है इसके साथ वो 6 मीटर का है, बहुत ही लंबा केबल है। सनकिंग कंपनी का ये फैन है, इसका जो रन टाइम है अगर आप इसको लो पावर मोड में चलाते हो तो 18 घंटे तक ये फैन चलेगा, नॉर्मल मोड में 14 घंटे तक, और टर्बो मोड में 7 घंटे तक, यानी फुल स्पीड में ये 7 घंटे तक चलेगा। बैटरी इसमें यूज किया गया है 5100 mAh का, 11.1 वोल्ट का। सोलर पैनल का क्या स्पेसिफिकेशन है, मोटर का क्या स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। क्या मॉडल नंबर है, इसका मॉडल नंबर है SK724। तो चलिए यहाँ पे डिटेल्स तो मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है, अभी इस फैन को अनबॉक्स करते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। दोस्तों बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है वारंटी कार्ड, जहाँ पे आप यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल कर सकते हो, और देखते हैं क्या अंदर है। तो इस फैन के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या आपको सेफ्टी लेना चाहिए, कैसे इस फैन को यूज करना चाहिए, ये यहाँ पे ओपन करते ही आपको मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक एक करके जो जो पार्ट्स निकलता है मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर आपको बताऊंगा इसको असेंबल कैसे करना है। आई थिंक ये है हमारा 20 वाट का सोलर पैनल, मैं आपको थोड़ी देर में इसको भी खोल के दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने सारा कुछ कंपोनेंट्स है। ये फैन का बॉडी का जो मेन पार्ट है विथ स्टैंड, इसके अंदर बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे सोलर पैनल है 20 वाट का, पीछे इसका वायर लगा हुआ है 6 मीटर का, साथ ही सोलर पैनल को कहीं पे बांधने के लिए एडजस्ट करने के लिए भी वायर दिया गया है। ये फैन का ब्लेड है, इस स्टैंड के ऊपर ये फैन फिक्स होगा, कैसे होगा थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। और ये जो ब्लेड को ढकने के लिए जो कवर है वो है दोनों,
और यहाँ पे प्लास्टिक का एक मटेरियल दिया गया है ये दोनों कवर को एक साथ अटैच करने के लिए। तो कैसे किया जाता है इसको असेंबल, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो दो पार्ट है इन दोनों पार्ट को ओपन करना होगा। यहाँ पे मैं जूम करके पिक्चर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो एक साइड में घुमाने पे ये लॉक होता है, एक साइड में घुमाने पे ये ओपन हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये जो व्हाइट वाला पार्ट है सामने का, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसको इस साइड में घुमाने से ये खुल जाता है, देख सकते हो निकल आया। और फिर ये जो पीछे का येलो पार्ट है इसको भी हम निकालते हैं, ये भी ओपन हो गया। अभी सबसे पहले आपको ये वाला जो पार्ट है कवर वो यहाँ पे फिक्स करना होगा। यहाँ पे कैसे फिक्स होता है यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे छह पार्ट है जहां पे ये जो बैक कवर है वो फिक्स होता है। और फिर आपको ये जो येलो वाला पार्ट है इसको फिर से यहाँ पे लॉक कर देना है घुमा के। तो ये जो ब्लेड कवर है ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, इसको टाइट करके आपको यहाँ पे लगा देना है। अभी आपको फैन का जो ब्लेड है ब्लेड को यहाँ पे लगाना है और फिर ब्लेड को भी आपको यहाँ पे फिक्स कर देना है। दोस्तों ये सामने वाला जो पार्ट है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है तब ये जाके टाइट होता है। तो ये हमारा ब्लेड भी यहाँ पे टाइट हो गया है अच्छे से। अभी ये जो कवर है इसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। दोनों ब्लेड कवर को यहाँ पे एक साथ लॉक करने के लिए ये वाला पोर्शन दिया गया है और यहाँ पे भी एक मैकेनिज्म दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से कुछ इस तरीके से बंद करते हो तब ये लॉक होता है, यहाँ पे ये लॉक होता है। और जब आप इसको कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाते हो तो ये खुल जाता है। तो ये मैकेनिज्म है यहाँ पे। चलिए मैं एक बार दोनों जो ब्लेड कवर है इनको लॉक कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लेड कवर को हमने लॉक कर दिया है, फिक्स हो गया है। अभी ये जो पोर्शन है इसको हम इस स्टैंड केस में लगाएंगे। तो स्टैंड का ये जो यहाँ पे एक देख सकते हो होल है, ये वाला पोर्शन पीछे की तरफ रहेगा बैक साइड में और ये वाला जो पोर्शन है ये आगे की तरफ रहेगा। और जब आप इसको फिक्स करोगे तो सामने की तरफ थोड़ा सा आपको यहाँ पे झुका के रखना होगा और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। दोस्तों अभी ये जो फैन है ये पूरी तरीके से असेंबल हो चुका है। असेंबल करना बहुत ही आसान है, आप खुद से ये कर सकते हो। और अभी आपको सोलर पैनल से इस फैन को चार्ज करना है। कैसे चार्ज करना है चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यह 20 वाट का मोनो सोलर पैनल जो कि इस फैन के साथ फ्री में आता है। ये सोलर पैनल मोनो सोलर पैनल होने के कारण जब धूप नहीं निकलेगा या बारिश के मौसम में भी जब बारिश हो रहा है तब भी ये इस फैन को चार्ज कर सकता है। बस सनलाइट होना चाहिए, इवन जब सनलाइट नहीं भी रहेगा अगर आपका रूम का लाइट जल रहा है उससे भी ये फैन को थोड़ा सा चार्ज करता रहेगा। और सनलाइट जब होगा तो ये बड़े ही आसानी से बड़े ही जल्द फैन को चार्ज कर देगा। दोस्तों मोनो सोलर पैनल का जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा होता है, एक पॉली सोलर पैनल आता है उसका थोड़ा सा कम होता है। तो इस फैन के साथ मोनो सोलर पैनल दिया गया है ये बहुत ही अच्छा बात है। 20 वाट का ये मोनो सोलर पैनल है। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो इसके साथ इसका ये जंक्शन बॉक्स है और इसके साथ ही यहाँ पे 6 मीटर का केबल दिया गया है। यहाँ पे आप प्लग देख सकते हो, इस प्लग को आपको फैन के साथ लगाना है और ये जो सोलर पैनल है इसको बाहर कहीं पे धूप पे या बैल्कनी में कहीं पे भी आप इसको रख सकते हो। फैन के बैक साइड में यहाँ पे आपको एक होल देखने को मिल जाता है जहाँ पे आपको सोलर पैनल के साथ जो प्लग आया है इसको आपको यहाँ पे प्लग कर देना है। तो चलिए दोस्तों अभी इस फैन को हम ऑन करते हैं। यहाँ पे पावर बटन दिया गया है, पावर बटन को मैं एक बार अगर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो ये फैन लो मूड पे अभी चल रहा है और आप देख सकते हो ये स्विंग भी करता है। यहाँ पे पीछे बैक साइड में एक एडजस्टमेंट दिया गया है, इससे आप इसका जो ये स्विंग है इसको फिक्स कर सकते हो। ये जो पार्ट है इसको आपको ऊपर पुल करना है तो इस फैन का जो स्विंग है ये रुक जाएगा। दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बताया सनकिंग के सोलर फैन के साथ आपको 3 फैन मोड मिलता है। जैसे जैसे आप पावर बटन को प्रेस करोगे एक बार प्रेस करने पे ये सबसे लो पावर मोड पे घूमता है, सबसे धीरे घूमता है, 2 बार प्रेस करने पे ये मीडियम स्पीड में घूमता है और 3 बार प्रेस करने पे ये जो फैन है ये हाई स्पीड में घूमता है। और सच बताओ तो बहुत ही अच्छा तेज़ हवा इस फैन से आ रहा है। आप देख सकते हो कितना तेज़ी से इसका ब्लेड घूम रहा है और ज़्यादा नॉइस नहीं है सच बोलूँ तो। तो एक बार फिर से अगर आप पावर बटन को प्रेस करोगे तो ये जो फैन है ये ऑफ हो जाता है। यहाँ पे नीचे
इस साइड में दो बैटरी का साइन दिया गया है। नीचे वाला जो बैटरी का साइन है ये इंडिकेट करता है कि आपका फैन का जो बैटरी है वो कितना चार्ज्ड है, कितना फुल है, कितने परसेंट तक इसमें चार्ज है, ये इंडिकेट करता है। और जब भी आप फैन को सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करते हैं इसको चार्ज करने के लिए, तो ये ऊपर वाला जो बैटरी का साइन है ये शो करेगा कि कितने परसेंट तक आपका फैन चार्ज हुआ है या हो रहा है। यहाँ पे आप टाइमर भी सेट कर सकते हो। टाइमर बटन को अगर आप एक बार प्रेस करते हो तो 30 मिनट तक ये फैन चलेगा और फिर ऑफ हो जाएगा। दो बार प्रेस करने पे 1 घंटे तक और 3 बार प्रेस करने पे 120 मिनट तक ये फैन चलेगा, फिर ऑफ हो जाएगा। अगर आपको टाइमर को ऑफ करना है तो 4 बार इसको प्रेस कर दीजिए, ये टाइमर ऑफ हो जाएगा और जितनी देर तक आप चाहो इस फैन को चला सकते हो। जब आप इसको इस पावर बटन से ऑफ करोगे तभी ये फैन ऑफ होगा। फ्रेंड्स, मैंने खिड़की में ये सोलर पैनल को रख दिया है, खिड़की से मेरा धूप आता है तो इसी से ये फैन चार्ज होता रहेगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो लाइट ब्लिंक कर रहा है ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा बैटरी है अंदर वो चार्ज हो रहा है सोलर पावर से। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इस फैन के रिव्यू के बारे में। पिछले 2 दिन से मैं इस फैन को रेगुलर यूज कर रहा हूँ, इसको फुल्ली चार्ज कर रहा हूँ, डिस्चार्ज कर रहा हूँ और फिर जाके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों ये फैन अच्छा है, आप देख सकते हो मुझसे ये कितना डिस्टेंस पे है। अगर आप इसको 2 फीट या 3 फीट डिस्टेंस में रखते हो और फिर यूज करते हो तो ये अच्छा खासा हवा देता है, बट उससे ज्यादा डिस्टेंस में अगर आप जाते हो, 4-5 फीट डिस्टेंस में जाते हो तो ये उतना ज्यादा हवा देता नहीं या लगेगा ही नहीं हवा। ठीक है, आप देख सकते हो मैं कितना डिस्टेंस पे हूँ। इस डिस्टेंस पे अगर आप फैन को यूज करते हो तो ये अच्छा खासा हवा देता है फुल स्पीड में। दोस्तों बैटरी फुल चार्ज होने में ये लगभग 4.5 घंटे का टाइम ले लेता है अगर अच्छा धूप है तो। अगर अच्छा धूप नहीं है, कभी कभी धूप आ रहा है जा रहा है, क्लाउडी वेदर है, तो ये 6.5 घंटे से लेके 8 घंटे तक टाइम ले सकता है बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए। और एक बार बैटरी फुल चार्ज हो जाए फिर अगर आप इस फैन को फुल स्पीड में चलाते हो तो कंपनी कहता है कि ये 7 घंटे चलता है फुल स्पीड में, बट 7 घंटे से ज़्यादा चला। मैंने रात को चलाया, सुबह को जब ये डिस्चार्ज हुआ तो 7.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ये फैन चला, तो कंपनी जितना प्रॉमिस करता है उससे ज़्यादा ये चलता है, बैटरी इसका अच्छा है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। मैंने किस तरीके से इसको असेंबल करना है, किस तरीके से यूज़ करना है सब कुछ बताया, फिर भी अगर कुछ छूट रहा है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा नाम है राजदीप मिश्रा, आप देख रहे हो टेक्निकल गाइड एजुकेशन। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे क्लिक करके और नोटिफिकेशन को अगर आप एनेबल करते हो तो जब भी मैं इस चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।